हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने साइक्लोइड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसके ऊपर मोशन की बात करेंगे, यानी कि आपको एक साइक्लोइड गिवन। मान लो कोई एक सर्कल है, ये ले लो, ये रेडियस का, ठीक है, और ये जो ये वाला लाइन है ऊपर वाली, ये इसका बेस मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला लाइन। ओके, ये इसका बेस है। तो ये सर्कल है, वो इस बेस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्व कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर लाइक दिस, इस साइड से जाया और इस साइड चला गया, ठीक है। ये हमारा कर्व हो गया, यानी कि जो ये कटोरा है, कटोरा नुमा जो शेप है, ये हमारी साइक्लोइड का साइक्लोइडल शेप है। ये जो बना है शेप, ये साइक्लोइड है, ठीक है। ओके, तो हमने कुछ डेफिनेशंस कल देखी थी कि अगर ये ए रेडियस का सर्कल है तो ये हाइट कितनी होगी, 2a, ये होगी लेंथ 2a। और ये वाला पॉइंट हम मानते हैं वर्टेक्स, ओ को हम क्या मानते हैं, वर्टेक्स, और ये ए डैश ए, इनके बीच की दूरी जो है वो उभयग्र, उभयग्र या फिर कस्प बोलते हैं, कस्प, है ना। और इस ये मान लो कोई, हाँ, तो इसकी मतलब कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप समझ लेना कैसे कैसे आया ये। और इसकी मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी, दो इक्वेशन, पहली तो प्राचलिक इक्वेशन थी, तो उसको हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरी क्या थी, वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा। तो ये तो थी हमारी इक्वेशन। और सिमिलरली नेत समीकरण, इंट्रेंसिक इक्वेशन जो है वो एस और साई में, एस इज इक्वल टू फोर ए साइन साई, ये हमारी इंट्रेंसिक इक्वेशन होती है। इससे इंट्रेंसिक इक्वेशन का मतलब, ये वाला कोई पॉइंट है, मान लो इस कर्व की इक्वेशन चाहिए ना, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे इस पॉइंट वर्टेक्स से जो लेंथ है वो एस से डिनोट करते हैं, एस से, और जो इसके ऊपर बनाया गया एक्स एक्स के साथ जो एंगल है वो हो गया साई, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपको क्या करना, किसी एंगल साई पे उसकी वैल्यू रख देना, एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरेस्टिंग इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है, ये बात अब तक ठीक है। अभी देखो हम कुछ पॉइंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एट ए पे। ए के ऊपर हमारे पास एक्स वाई एस साई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इस ए के ऊपर सबसे पहले एस की वैल्यू क्या होगी एट ए, ठीक है। एट ए पे एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, यहां पे आते ही ये परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा ना, ये लाइन जो जो लाइन है वो खड़ी होगी, और ये वाला एंगल साई जो एंगल कितना बन जाएगा, पाई बाय टू, यानी कि एट ए पे एंगल तो साई तो हो गया पाई बाय टू, ये रखो पहले, एंगल तो रखो पाई बाय टू, फिर एस रखना, साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय टू एट ए पॉइंट पे, है ना। और ये 90 डिग्री हो गया साई, तो इसके ऊपर एस निकालना हो तो एस ही निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे ये रहा, साई अगर पाई बाय टू है तो 4a आ गया, तो एस आ गया 4a, कहाँ पे, एट पॉइंट ए पे। और एक्स की बात करें तो आप ये देखो, एक्स का कहने का मतलब ये जो सर्कल है ये अगर यहां से चल के ऐसे जाएगा तो यहां तक पहुंचेगा, यानी कि ए सिरा अगर यहां तक पहुंचेगा तो ये, या फिर आप ये पकड़ लो, इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो, इस सर्कल की जो ये कर्व मुड़ा हुआ है इसको पकड़ के सीधा करोगे तो यहां तक पहुंचेगा, यानी कि ये हाफ परिमाप है इस सर्कल का, ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो चाप है, जो लंबाई होगी चाप की, वही ये वाली लंबाई है। तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, और वो क्या है, आधी, ये क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं क्या इसको, तो हाफ परिधि ऑफ सर्कल। तो परिधि की, सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, तो इसकी आधी होगी पाई आर, तो मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या आ गई, पाई आर आ गई, ठीक है। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एट ए पे कितना हो गया, पाई आर। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट तो एज इट इज रहेगी, 2a रहेगी हर बार, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 2a, कहाँ पे, ए पे, अब यहाँ पे आओगे तो चेंज हो जाएगा ना,
हमें हमारी इतनी हो जाएगी आधी। तो ये चारों पॉइंट नोट डाउन कर लिए, कहां पे है ये, एट पॉइंट ए पे है। अब सिमिलरली ओ के ऊपर अगर हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो एट पॉइंट ओ, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो यहां पे हम देखें तो एस की वैल्यू तो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो एस इज इक्वल टू जीरो है ओ पे, और साई भी हमारा क्या है, ये देखो इनिशियल लाइन के इक्वल आ रहा है टेंजेंट, तो ये साई भी क्या हो गया जीरो। और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी क्या है जीरो है, और x की वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ पे सब कुछ जीरो जीरो है, तो ये वर्टेक्स, इसीलिए वर्टेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई सब, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है हमारा पैरा जो साइक्लोइडल मोशन, यानी कि यहाँ से ए से हमने गिराया इसको, और ये ऐसे ऐसे इसे यहाँ से वेरी करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे कटोरे में ऐसे घूमेगा, तो इसके मोशन का अध्ययन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, ठीक है। तो मोशन ऑन ए स्मूथ साइक्लोइड, मोशन ऑन ए स्मूथ साइक्लोइड। अब ना ये स्मूथ वर्ड क्यों यूज करता है पता है, स्मूथ का मतलब चिकना है, यानी कि इसके अंदर घर्षण नहीं हो रहा बिल्कुल भी, यहाँ पे यूज करता है घर्षण नहीं हो रहा, बट हमारा तो दैनिक जीवन में अगर हम ऐसा देखेंगे ना तो घर्षण होता है वहां पे, कितना भी हो लेकिन होता है, बिल्कुल स्मूथ तो कोई होती नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो डेरिवेशन करेंगे वो स्मूथ मान के करेंगे, यहाँ पे कोई घर्षण एक्स्ट्रा बल नहीं लग रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी और जो सतह की वजह से जो अंदर वो जो फोर्स लग रहा है वो दो ही लग रहा है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, दो बल लग रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका ग्राफ हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ साइक्लोइड, ये इसका ओवरटेक्स हो गया, ये ए हो गया। तो मान लो किसी पॉइंट पे हमारा, किसी टाइम टी पे हमारा पार्टिकल पी पे, हमने ए से चलना स्टार्ट किया, हमारा पार्टिकल ए से गिरना स्टार्ट होता है, और किसी टाइम पे वो पॉइंट पी पे है, और इसके द्वारा एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं जो साई एंगल बना रही है, और इसके द्वारा ओ के साथ इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि चाप की लंबाई वो एस मान लेते हैं हम, इतना तो ठीक है ना, ओके। अब इस पार्टिकल ए पी पर दो बल कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg, है ना, और एक देखो ये सतह है ना, ये सतह देखो ये मुड़ रहा है, इस साइड क्यों मुड़ रहा है, ये जाना तो नीचे चाहिए था, लेकिन सतह सतह की वजह से ये मुड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर एक सतह की वजह से एक फोर्स लग रहा है ऐसे, अभिलंब, अभिलंब की दिशा में, ठीक है ना। तो दो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे सर्कल में लगते थे वही यहाँ पे लग रहे हैं, दो बल हो गए, पहला बल तो स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी कि पहला तो गया भार, पहला तो गया इसके ऊपर कण का भार है, कण का भार, और दूसरा हो गया अभिलंब की अनुदिश प्रतिक्रिया, अभिलंब बिंदु पी पे आर प्रतिक्रिया लग रही है, अभिलंब की अनुदिश प्रतिक्रिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ग्रामर खराब है, तो स्पेलिंग और ये मिस्टेक हो जाती है, अभिलंब की अनुदिश, अनुदिश प्रतिक्रिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श रेखा के अनुदिश जो गति की समीकरण वो क्या होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश हमने पढ़ा है एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर लगता है जो बल है, और वो क्या होगा जो माइनस एम जी साइन साई होता है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, जो ये लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। स्पर्श रेखा के अनुदिश जो बल कार्य करता है वो ये वाला होता है, और फिर अभिलंब की दिशा में ये तो था स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, और फिर अभिलंब के अनुदिश, तो वो होता है एम v स्क्वायर बाई रो। अब यहाँ पे ना रो चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वहां तो सर्कल सर्कल था, और सर्कल का हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, रो सेम रहता है,
तो इसीलिए यहाँ पे रो चेंज होगा, तो हम वो बाद में देखेंगे इसमें। तो एक बार इसको रो से ही डिनोट करेंगे, और एक्चुअली इसका रो हम निकाल भी सकते हैं इजिली, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो अभी देखो ये एम वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मैंने समीकरण बताया था आपको, आर माइनस एम जी कॉस आई होगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब ना रो इज इक्वल टू कैसे फाइंड करोगे पता, देखो हमें गिवन है इक्वेशन क्या, सिंस S इज इक्वल टू फोर ए साइन साई होती है, और रो इज इक्वल टू क्या होता है डी एस बाई डी साई, और ये क्या हो गया इसका साई के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना फोर ए कोस साई आ गया, तो ये हमारा रो हो गया। काफी इजी है ना निकालना, आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, फिर देखो इसमें क्या करेंगे हम वैल्यूज पुट कर देंगे क्या, इस इक्वेशन में साइन साई को हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे इसको एस में ले आएंगे, तो यहाँ देखो साइन साई ये रहा, तो यहाँ से एस बाई फोर ए यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा के अनुदेश क्या बन गई, एम से एम काट दो तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी, और साइन साई इज इक्वल टू क्या एस बाई फोर ए, एस बाई फोर ए यानी कि माइनस जी बाई फोर ए एस। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इसको SHM मोशन को, SHM मोशन में हम क्या पढ़ते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स हो, तो ये इक्वेशन क्या होती है SHM होती है। सिमिलरली यहाँ आ रहा है क्या आ रहा है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई फोर ए एस आ रहा है, एस का एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है तो एस ही आ रहा है, तो ये SHM को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज SHM गति। तो SHM गति है तो आप डायरेक्टली इसका क्या निकाल सकते हो, आवर्तकाल निकाल सकते हो, यानी कि जब A से जब हमने लुढ़कना स्टार्ट किया और वापस A डैश तक जाएंगे और फिर वापस O से होते हुए A तक आएंगे, यहां तक पहुंचने में जो आवर्तकाल है, जो पूर्ण आवर्तकाल है वो कितना लगेगा, पूर्ण आवर्तकाल इज इक्वल टू ये इसका फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन रूट म्यू, टू पाई बाई रूट म्यू, रूट म्यू यानी कि जी बाई फोर ए, जी बाई फोर ए, तो फोर का एक फोर ए का अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा ये टू ए, टू ए अंडर रूट ए बाहर आएगा तो ए टू ऊपर आ जाएगा, यानी कि फोर पाई और अंडर रूट ए बाई जी आ गया, ये हमारा पूर्ण आवर्तकाल है। तो आपको सिंपली कोई इसकी समीकरण दे क्या बोलते हैं साइक्लोइड की, तो ए उसमें गिवन होगा ऑलरेडी है ना, तो आपसे पूछेगा कि इसकी ये SHM गति करेगा अगर ए से हमने छोड़ा इसके एक सिर से और दूसरे इसका पूर्ण आवर्तकाल कितना लगेगा, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और निकल जाएगा पूर्ण आवर्तकाल निकल जाएगा, है ना, काफी इजी है ना। तो अभी देखो हम बात करते हैं इसकी समीकरण को सोल्व करते हैं इसको, जैसे हम पहले करते थे उसमें जितने भी चैप्टर किए SHM गति किए तो उसमें हमने इसको सोल्व किया है। तो v स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर को क्या लिखते हैं v dv by ds इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस z अपॉन 4a और s, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए s को इस साइड ले लीजिए, तो ये आ गया v स्क्वायर by 2 इज इक्वल टू माइनस z by 4a s स्क्वायर by 2 प्लस c, 2 को 2 को काट दो इसी में इंक्लूड कर दो, तो 2 2 हटाओ यहां से, 2 हटाओ 2 हटाओ, ये c के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब C की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, C की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको गिवन कंडीशन यूज करनी है, यानी कि एट ए हमारा S इज इक्वल टू तो होता है 4A, ठीक है, और V हमने उससे छोड़ा है यानी कि विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया है, तो वहां पे V इज इक्वल टू क्या है जीरो एट पॉइंट A पे, तो यहाँ पे जीरो रखोगे, यहाँ पे 4A रखोगे, 4A से 4A से कैंसिल नहीं 4A का ये स्क्वायर है, तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर में 4a का भाग दोगे तो 4a बचेगा, 4ag c इज इक्वल टू 4ag आ गया, खुद करके देख लो, ठीक है। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू पहले लिख देता हूं मैं 4ag माइनस g बाय 4a और s स्क्वायर, तो यहां पे g कॉमन आ गया बाहर और मैं 4a भी बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो 4a जब कॉमन लूंगा तो यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a का, यानी कि 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुकी है v में इक्वेशन। कोई भी पार्टिकल है
आपको उसकी ओरिजिन सॉरी वर्टेक्स से दूरी दे दे, एस दे दे, और आपसे पूछ ले उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, तो ये है और आप फॉर्मूला निकाल देना, फटाक से निकाल दोगे ना। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करते हैं टी और एस में, या फिर साई और एस में, यानी कि आपसे बोल देगा कि इतना एंगल मैं बता रहा हूं, उस एंगल पे आप उसकी एस यानी कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना होगा। तो इसको सोल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, अंडरूट ले लो, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाय dt इज इक्वल टू v, यानी कि इसका अंडरूट, यानी कि अंडरूट z बाय 4a और अंडरूट 16 a स्क्वायर है, सॉरी ये 16 a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। अब देखो इसका नेगेटिव प्लस माइनस आता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना, हम ऊपर से a से गिनना स्टार्ट हुए थे ना, a से गिनना स्टार्ट हुए, तो ये हमारी दूरी जो है o से नापते हैं, तो ये कम होती जा रही है, s की दूरी जो कम होती जा रही है, सिंस s कम होता जा रहा है, ऐसा लिख लो, ठीक है, s कम होता जा रहा है, तो नेगेटिव आ गया। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ds के पास ले आओ इसको, या फिर इसका उल्टा रेसिप्रोकल लेके इस साइड कर दो, यानी कि dt इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले लो, माइनस 4a बाय z और 1 अपॉन अंडर रूट 16 ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ तो आ गया टी, और यहाँ पे देखो ये इसका ना 16 ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहाँ पे आता है साइन इनवर्स 1 बाई ए होता है ना, सॉरी साइन इनवर्स एस बाई जो भी, यहाँ पे इसका 16 ए स्क्वायर यानी 4 ए आ जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव, तो आप इसको कोस ले सकते हो, यानी कि 4 ए बाय जी इसको लिख सकते हो, कोस इनवर्स एस बाई 4 ए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, प्लस कांस्टेंट भी आता है ना, एक प्लस सी कांस्टेंट आएगा। तो एक बात बताओ मुझे, जब s इज इक्वल टू 4 a एट ए, सिंस एट ए s इज इक्वल टू 4 a, तो वहां पे t इज इक्वल टू क्या था, t इज इक्वल टू 0 था, यानी कि वहां से चलना स्टार्ट किया था, टाइम 0 था, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, c की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया 4 a, 4 a तो यानी कि 1, कोस इनवर्स 1 कहां पे होता है, 0 डिग्री पे, तो ये 0 0, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो इसे t से, तो या फिर t एज इट इज रखो, t इज इक्वल टू 4 का रूट 2 आ गया बाहर, a बाय z कोस इनवर्स s बाय 4 a, तो ये हमारी आ गई टाइम और एस के अंदर रिलेशन, यानी कि कितने टाइम पे वो कितनी दूरी पे होगा कहां से, ओ से, तो वो चीज हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके दो इक्वेशन होगी, अब हम यूज करेंगे आर, आर निकालेंगे, आर को कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी एंगल पे हमें आर पूछे तो कैसे निकालोगे, तो आर का फॉर्मूला हमने कहां ये रहा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू इसको इस साइड ले जाओ, तो m v स्क्वायर बाय रो, r इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय रो प्लस कितना था 4 a, कोस साई था क्या, देखना एक बार, एम जी कोस साई, सॉरी एम जी कोस साई, mg cos psi, आप रो की वैल्यू रखोगे अब, और v की, v स्क्वायर हमारा क्या आया था देखना एक बार ऊपर, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा, तो यहां से आप v स्क्वायर को देखना, g बाई 4 a 16 ए स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है
फोर ए साइन, तो 16 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन, तो 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर इससे कटेगा तो 4a बचेगा, तो 4az, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन, यानी कि कोस स्क्वायर साइन, कोस स्क्वायर साइन, ये आ गया v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो इसको नो डाउट कर लो, साइन और v में ये रिलेशन होता है, इसको अलग से मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 4az कोस स्क्वायर साइन, सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू 4az cos स्क्वायर साइन, ठीक है, ये फॉर्मूलाज बस आपको याद रखने, बाकी सारा काम हो जाएगा, तो यहां पे रखना m v स्क्वायर ये रहा, और डिवाइड में रो की वैल्यू रखनी है, रो की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी ना, कहां गया, ये रहा 4a cos साइन, v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4az cos स्क्वायर साई, और ये आया था 4a cos साई और प्लस mz cos साई, तो ये स्क्वायर गया 4a से 4a गया mz cos साई, और mz cos साई 2mz cos साई आ गया, तो r इज इक्वल टू 2mz cos साई, तो किसी भी पॉइंट पे उसका जब एंगल आपको पता है तो आप उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो निकाल सकते हो इजिली, कैसे, ये साई रख दो यहाँ पे बस, बाकी हो गया काम, ये अपने फॉर्मूले हो गए 1 2 3 एक ये रहा 4, ठीक है, और एक ये आवर्तकाल निकालना हो तो 5, बाकी सब नॉर्मल चीजें सब आपको पता है, ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो कल हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, आज ये डेरिवेशन आप खुद निकाल के देखो, ठीक है, थैंक यू।